पीएम मोदी के राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद लाल किले पर पुष्प वर्षा हुई। पहली बार भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से समारोह स्थल के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर मौजूद ओलंपिक खिलाड़ियों का स्वागत किया। पीएम ने खिलाड़ियों के सम्मान में खुद भी ताली बजाई और समारोह में शामिल होने वाले सभी लोगों से ताली बजवाकर उनको सम्मानित किया। कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान। पीएम मोदी ने देशवासियों को आजादी की बधाई दी, कहा आजादी का अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाल किले पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में सभी महापुरुषों को याद किया और बंटवारे का जिक्र करते हुए कहा वो दर्द सीने को छलनी करता है। कोरोना संकट का जिक्र करते हुए पीएम बोले आज हमें गर्व है कि सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चल रहा है। 54 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन डोज लगा चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना पड़ा, भारत ने खुद की वैक्सीन बनाकर प्रगति का परिचय दिया। सोचिए अगर देश के पास वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता। पीएम मोदी ने कोरोना योद्धाओं के लिए कहा कि हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे वैक्सीन निर्माता, हर कोई जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान लोगों की सेवा करने के लिए लगन से काम किया, उन सभी का आभार। जिन्होंने इस कोरोना के कालखंड में पल पल जन सेवा में समर्पित किया है वे भी हम सबके वंदन के अधिकारी हैं। लाल किले पर पीएम ने कहा जो भी बनाए बेस्ट बनाए, जो वैश्विक स्तर पर टिक सके। हर प्रोडक्ट के साथ सिर्फ कंपनी का नाम नहीं जाता, इसके साथ देश की इमेज जुड़ी होती है। हर प्रोडक्ट देश का ब्रांड एम्बेसडर है। प्रधानमंत्री ने कहा देश के लोगों को अगली पीढ़ी का बुनियादी ढांचा, विश्व स्तरीय निर्माण, अत्याधुनिक नवाचार, नए जमाने की तकनीक के लिए काम करना होगा। पीएम ने कहा भारत में जिस तरह 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देकर गरीब का चूल्हा जलते रखा है वो काफी बड़ी बात है। साथ ही पीएम ने कहा गरीबों को पोषण युक्त चावल दिया जाएगा। जिस तरह से 80 करोड़ देशवासियों को महीनों तक लगातार मुफ्त अनाज देकर के उनके गरीब के घर के चूल्हे को जलते रखा है, यह भी दुनिया के लिए एक अचरज भी है और चर्चा का विषय भी है।